आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग 3:30 और 4:30 के बीच में भारत की फौज ने जिस तरीके से स्ट्राइक करके अपने विमानों के ज़रिए उन आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया है और जो इतने आतंकवादी उसके अंदर थे उनको जहन्नम नसीब किया, इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरा देश आज उनके साथ में खड़ा है। इसके अलावा जो 45 आदमी हमारे जवान शहीद हुए थे आतंकवादी घटना के अंदर, उनको कम से कम थोड़ा बहुत सुकून मिला होगा इससे और विश्वास जगा होगा, देशवासियों के अंदर भी थोड़ा विश्वास जगा होगा कि नहीं, हमारी सेना ने देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ये स्टेप लिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इनके अलावा तमाम मुल्क जो है वो हमारी तीनों सेनाओं के साथ में कंधे से कंधा मिला करके सीना तान के खड़ा है और उम्मीद करता है कि आइंदा भी इस किस्म के जो ये आतंकवादी घटनाएं घटित होंगी उनको उन घटनाओं के तहत उन आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। इससे ये जो एयर अटैक हुआ है इससे एक बात तो साबित हो गई है पूरे विश्व के अंदर कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, इसराइल के बाद में भारत भी उन श्रेणियों में खड़ा हो गया है कि ये भी अंदर घुस करके एयर अटैक करके अपने उसका बदला लेने के अंदर सक्षम है।